Hello friends, now we are into the second session in which we will be talking about facial glow and how to prevent hair loss. In this session, Pooja will be talking about yoga practices that will help us maintain our facial glow, and Rituji will be telling some mantra practices and will give some tips on how to maintain your facial glow and how to avoid hair fall. Thank you. Over to Pooja. Om Namah Shivaya, friends. Thank you, Sunita ma'am. So today we are here for a very interesting topic. आजकल सभी सुंदर दिखना चाहते हैं और सभी को कुछ ना कुछ हेयर फॉल की प्रॉब्लम है. सो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट सम योगा प्रैक्टिसेस जो आपको हेल्प करेंगे फॉर हेयर फॉल एंड फेशियल ग्लो लाने में. सो हेयर फॉल होने के क्या क्या रीजंस हैं? हेयर फॉल होने का रीजन होता है हेरिडिटरी, जिसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. बट वेन वी डू रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस तो आप इसको डिलेट कर सकते हैं. सेकेंड कुड बी द स्ट्रेस, जिसके वजह से आपका हेयर फॉल होने लग गया है. सो आप देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एंड फ्यू योगासनास, आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगा है और इस प्रॉब्लम से आप दूर होने लग गई है. थर्ड प्रॉब्लम इनडाइजेशन की होती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए होती है. सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यू कैन हैव गुड डाइट, ग्रीन वेजिटेबल अगर अच्छा लेंगे एंड यू आर हाइड्रेटेड, एज ऑलवेज सुनीता मैम हैज बीन टेलिंग यू इन आर वीडियोस कि आप अच्छा डाइट लें, हाइड्रेटेड रखें, तो आपको ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी. उसके अलावा हमारे को हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होता है और पिंपल और रिंकल जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है, एजिंग होने लग जाती है. तो आप देखेंगे कि योगा आसना के प्रैक्टिस से आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम भी दूर होती है. पीसीओडी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपका हेयर फॉल होने का एक रीजन होता है. सो फ्यू ऑफ द प्रैक्टिसेस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माय सेशन ऑफ मेनोपॉज एंड पीसीओडी. सो चलिए देखते हैं कुछ योगासनास की प्रैक्टिस जो आपको हेयर फॉल की हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपके फेस के ग्लो को भी बढ़ाएंगे. सो आपको स्टैंडिंग पोजीशन से बताऊंगी, वो यू नीड टू स्टैंड. तो आपको सम स्थिति में आना है. आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम द साइड. सम स्थिति में आके जस्ट रिलैक्स, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ. इनहेल एक्सहेल. इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. पादहस्तासन है बिकॉज व्हेन यू बेंड डाउन फॉरवर्ड बेंडिंग से हमारा जो सर्कुलेशन है वो बेड के हमारे हेड की तरफ होता है, तो हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व होती है. एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे. जस्ट होल्ड इन दिस पोजिशन. ब्रीद नॉर्मली. इनहेल थोड़ा सा धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे. एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स. इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. व्हेन यू गो डाउन बेंड फ्रॉम द टेल बोन एंड व्हेन यू कम बैक कम लाइक दिस ओनली. द सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन यू गो डाउन लाइक दिस इनहेल एक्सहेल, अगर आप यहां तक भी आ पाते हैं इट्स परफेक्टली ओके. आपको नी को बेंड नहीं करना है. जस्ट फील द स्ट्रेच एट योर हैमस्ट्रिंग. बी हियर, यहां पर भी आ रहे हैं, इट्स परफेक्टली ओके. जस्ट फील द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड एंड देन यहां तक भी आएंगे, इट्स परफेक्टली ओके. जस्ट बी हियर, काउंट फॉर 30 और फिर धीरे धीरे ऊपर. रिलैक्स. इसमें आपको अपने जस्ट जैसे आप 10 ब्रेथ 10th काउंट तक भी कर सकते हैं, देन रिपीट इट फॉर 3 to 5 टाइम्स, और एल्स आप इसमें 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना कर पा रहे हैं. डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है. जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है. अगर ज़्यादा नहीं रुक पा रहे हैं जस्ट रिपीट द आसन फॉर 3 to 5 टाइम्स. नेक्स्ट आसन हम यहीं से वज्रासन में बैठेंगे. Like this. This asana is really good. इसको मैं बैक साइड से मैंने अपने पुराने सेशंस में भी दिखाया था. Like this. अपने पैरों को रखना है, इस तरह नहीं बैठना है. It is like this. You have to sit. वज्रासन में आना है. This is the only asana which can be practiced after having your meals. इसमें खाना खाने की कोई टेंशन नहीं है. It is good for digestion. Indigestion is also the reason for hair fall. So this will also help you. अब यहीं से हम
योग मुद्रा आसन करेंगे, हाथों को पीछे टक करेंगे। ये आप क्रॉस लेग पोजीशन पे भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं और पद्मासन लगाकर भी कर सकते हैं। सो इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए टेलबोन से आगे की तरफ झुकेंगे एंड देन ट्राई टू टच योर हेड ऑन द ग्राउंड एंड मेक श्योर जो आपका ये जो हिप है आपको इस तरह नहीं करना है, आपका जो हिप है आपके टो आपके हील से टच रहेगा। जस्ट बी इन दिस पोजिशन एंड देन एग्जिट हुए वापस रिलैक्स। योग मुद्रा आसन है, इट इज वेरी गुड फॉर इंडाइजेशन बिकॉज व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इट गिव्स अ गुड मसाज टू दी एब्डोमिन एंड इनडायरेक्टली हमारा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांक आसन विच इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस क्योंकि अगेन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड तो हमारा जो हमारा इट रिलैक्सेज योर माइंड इट रिलैक्सेज योर वाइटल्स तो आपका जो स्ट्रेस है वो तुरंत ही आप देखेंगे जब अगर टेंशन में है तो ये इमिजिएट रिलैक्सेशन देता है। सो यहीं से हम इनहेल करेंगे अपने हाथों को इनहेल करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर करेंगे एक्सहेल करते हुए नीचे झुकेंगे एंड देन जस्ट रिलैक्स रिलैक्स टेक फ्यू ब्रेथ ओवर हियर नॉर्मल स्पीड इनहेल एक्सहेल फील द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड। ये आपके फेशियल ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज ऑल योर ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स योर हेड। रिलैक्स इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर रिलैक्स। नेक्स्ट आसना की प्रैक्टिस हम करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करनी इज वेरी गुड फॉर हार्मोनल डिसबैलेंस, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो नेक्स्ट हम इसी यहीं से हम लेट जाएंगे दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे एंड देन अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने नी को नीचे लेकर आएंगे, अपने दोनों अपने एल्बोस को एक साथ करेंगे एंड देन वापस से जस्ट टेक स्लो ब्रेथ ओवर हियर। आप देख रहे हैं योर अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी यू कैन जस्ट फील द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड। ये इट गिव्स गुड मसाज टू दी थायराइड ग्लैंड ऑल्सो। सो ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है एंड देन स्लोली वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा जस्ट कम बैक। रिलैक्स। इसी का हम काउंटर पोज करेंगे मत्स्य आसन जो मैंने इसका कुछ आसन प्रैक्टिसेस पहले भी दिखाए थे हमारे पीसीओएस और मेनोपॉज में। सो पद्मासन लगाएंगे एंड देन स्लोली अपने हाथों को अगल बगल में रखेंगे एंड देन क्राउन अपने हेड ऑफ द क्राउन को जस्ट पुट इट लाइक दिस होल्ड योर टोज। इट्स वेरी गुड फॉर द फेशियल ग्लो व्हेन यू डू दिस प्रैक्टिस यू सी इट टोन्स अप द होल फेस इट गिव्स अ गुड स्ट्रेस एंड आपकी जो मसल्स हैं उसमें अच्छा खासा रिलैक्सेशन आता है। इट इज गुड फॉर द हार्मोनल डिसबैलेंस। सो ये हमारे फेशियल ग्लो के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। रिलीज इट जस्ट बी इन दिस पोजिशन इनहेल रिलैक्स एंड देन स्लोली रिलीज दिस पोस्चर लाइक दिस रिलैक्स। इन केस आप पद्मासन नहीं लगाना चाहते हैं सो यू कैन सिंपली जस्ट अपने अपने नेक को हल्का सा उठाएंगे एंड देन हाथों का हेल्प लेकर अपने क्राउन चक्र को ऐसे रख के देन जस्ट रिलैक्स लाइक दिस। इनहेल डीपली एक्सहेल इनहेल एक्सहेल रिलीज द पोस्चर स्लोली रिलैक्स करवट को लेके उठ जाएंगे।
So these are the few yogasanas practice which you can practice regularly in your yoga routine. आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे आपको ये प्रॉब्लम दूर होने लगी है. इसके अलावा आप प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी मैंने बताया हुआ है अपने पुराने अभी जो सेशन किया था उसमें. सो भस्त्रिका में आपने क्या करना है, भस्त्रिका करने से इट गिव्स गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, इन टर्न हेल्प्स यू टू हैव गुड ग्लो इन योर फेस, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉल में भी हेल्प करता है. सो आई विल जस्ट शो यू. आपने अपने हाथों को ऐसे अगल बगल में रखना है, फिस्ट को बंद करके रखना है, इनहेल करना है, ऊपर फिस्ट को खोलेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे विद इनहेल एक्सहेल वॉइस. जैसे कि आप जब ऊपर जाएंगे आपको ऐसे करना है कि जैसे आप ऊपर से कुछ खींच रहे हैं. रिलैक्स. इस आसन को करने से आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल ऐसे बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, तो थोड़ा सा भारी लगता है. जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ. मीन ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा रिलैक्स. राउंड को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं 20-20 के. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है सो आपने बहुत स्लोली स्लोली इसको करना, जैसे लाइक दिस. और हर आसन की प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्लोली करना है. नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग. जैसे कि इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. ये हमारा वन साइकिल है, इसको आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्राणायाम. उसके अलावा आप कपाल भाती कर सकते हैं फॉर योर फेशियल ग्लो. जिसके लिए कपाल भाती, भाती इज अ शाइनिंग थिंग. व्हेन यू प्रैक्टिस कपाल भाती, ये हमारा प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है. बट आप जब इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फेशियल ग्लो में भी आपको ये हेल्प कर रहा है. इसमें आपको एक्टिव एक्सिलेशन करना है, इनहेलेशन पैसिव रहता है. जैसे कि इसमें मैंने अपने कपाल भाती पे स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, अनुलोम विलोम एंड भस्त्रिका भी. सो आई वुड बी शेयरिंग द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसपे कि आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्रोसीजर देख सकते हैं. सो दैट किसको करना है, किसको नहीं करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, यू कैन रेफर दैट वीडियो इन डिटेल फॉर द सेम. उसके अलावा वेरी गुड, एक बहुत ही अच्छा कपोल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे जो हमारे फेशियल ग्लो के लिए बहुत अच्छा है. अगर आपको रिंकल की प्रॉब्लम भी हो रही है, एजिंग होने लग गई है, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा. इट वर्क्स लाइक वंडर्स. यू जस्ट प्रैक्टिस 3 to 5 times एवरी डे, आप देखेंगे कि आपका फेशियल ग्लो बढ़ गया है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स अगर आपको इसको करने से कुछ भी फायदा हो रहा है. तो कैसे करना है इस क्रिया को, आपने अपने हाथों को ऐसे करना है, सारी फिंगर्स को टच करके रखना है, अपने नोज को बंद, नोज़ नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपने लिप्स को होठ की तरह, होठ को जोच की तरह मुंह को बनाएंगे और इनहेल करेंगे. जैसे कि इनहेल करके अपने गालों को फुलाएंगे, सांस को रोक कर रखेंगे, चिन को टक करेंगे. और अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो चिन को टक नहीं करेंगे, अपनी गर्दन को सामने ही रखेंगे, सर रोकेंगे, अपने जो छोटी वाली फिंगर्स हैं उनको चेस्ट पे करेंगे. एंड देन टिल द टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, आपको रुकना है. धीरे से गर्दन को ऊपर करके रिलीज दिन, आपको अपने नाक को खोलना है, नॉस्ट्रिल को. एंड देन धीरे धीरे अपनी श्वास को नाक से बाहर निकालना है. आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट. अपने नाक को बंद करेंगे, सोच की तरह मुख को बनाएंगे, गालों को फुलाएंगे, लुक डाउन, गालों को पिचकाएंगे, धीरे से रिलीज कर देंगे. आई जस्ट शो यू वंस अगेन.
धीरे से नाक से एक्सहेल कर देंगे. सो इफ यू हैव प्रैक्टिस विद मी राइट नाउ, आप देखेंगे जब हमने गालों को फुलाया है, इट गिव्स गुड मसाज टू योर फेशियल मसल्स. साथ ही साथ जब व्हेन यू गिव प्रेशर टुवर्ड्स योर चीक्स, तो आप देखेंगे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है इमीडिएट. तो इससे हमारा फेशियल ग्लो इंक्रीज होने लगता है. सो आई एम श्योर यू लाइक, यू वुड हैव लाइक दीज आसनास प्रैक्टिस एंड प्राणायाम प्रैक्टिसेस, एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट एंड टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट. एंड और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे और सुंदर दिखने लग गए हैं. सो थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. करो योग, रहो निरोग. आई एम हैंडिंग इट ओवर टू रितु जी फॉर द मंत्रा चैंटिंग एंड द टिप्स फॉर इंक्रीजिंग योर फेशियल ग्लो. पूजा जी, हमारे लिसनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन योग मुद्रा आसन बी डन आफ्टर मील्स? नो योग आसनास, नो योग आसनास कैन बी प्रैक्टिस आफ्टर मील्स. ओनली वज्रासन जो मैंने आपको बताया था, वज्रासन इज दी ओनली थिंग विच यू कैन डू आफ्टर मील्स. उसके अलावा कोई भी आसन ऐसा नहीं है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं. अगर आपने हेवी मील्स लिया है तो देयर शुड बी 4 आवर्स डिफरेंस. अगर आपने लाइट मील्स लिया है स्टिल 2 to 3 hours का डिफरेंस. अगर लिक्विड लिक्विड कैन प्रैक्टिस आफ्टर 1 hour, बट डोंट प्रैक्टिस आसनास जस्ट आफ्टर हैविंग योर मील्स. बस प्राणायाम भी और कोशिश करेगी सारे आसन है, बट यू कैन डू इट इन द इवनिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस भी आप मील्स के बाद कर सकते हैं, बट आफ्टर 1 hour. कोशिश करें कि आप लाइट मतलब आप मील्स के बाद ना करें तो बेटर है, क्योंकि व्हेन वी हैव मील्स तो हमारा जो सारी प्राण शक्ति होती है गोज टुवर्ड्स योर स्टमक और उसको डाइजेशन में लगी होती है. सो और हम जब अपने जैसे योग मुद्रा आसन करते हैं, वी गिव प्रेशर टुवर्ड्स द एब्डोमेन, तो हमारा को वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है. सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू आफ्टर योर मील्स एनी आसनास. और जब हम इन्वर्जन भी करते हैं, सो वी आर doing all these asanas, which is not advisable after this. Any other questions, Sunita ma'am? किसी ने कहा है, उन्होंने आपका पुराना वीडियो देख के कपोल शक्ति विकासक वाला क्रिया की थी और उन्हें उससे काफी ग्लो और फेशियल उसमें फर्क पड़ा है, पिंपल्स वगैरह कम हुए हैं. थैंक यू पूजा जी, इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन एंड वी हैव रियली बीन हेल्प्ड विद योर प्रैक्टिसेस दैट यू हैव शोन. सो थैंक यू पूजा, वील हैंड इट ओवर टू रितु जी नाउ. अब मैं रितु जी को इनवाइट करना चाहूंगी. रितु जी, आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम कुछ मंत्रास के द्वारा या कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे कि हम एनर्जेटिक रह सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं. ओवर टू रितु जी. यस मैम, हेलो हेलो. आप एनर्जी का तो आई थिंक आप लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर मैं बोलूं कि अगर कभी आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, सो द बेस्ट मंत्रा फॉर एनर्जी बूस्ट इज योर ओम मंत्रा. आप एक ओम की माला जाप कीजिए, 108 वाली माला, विच स्फटिक माला, एंड आपका बॉडी का जो एनर्जी है इट विल जस्ट गो अप. ओम मीन्स AUM, लाइक इट्स और बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हर चीज बॉडी की ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है. अब मैं आज 3 चीजों के बारे में बात करने जा रही हूँ. एनर्जी, योर फेशियल ग्लो, योर हेयर. यस, एनर्जी से तो आई थिंक द बेस्ट मंत्रा इज ओम, एंड बाकी आपने योगा आसनास एंड मैम की डायट सब आपने देखी है. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फेशियल ग्लो, जो कि आई थिंक लेडीज के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्लर, कुछ चीजें हम खुद भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है हर चीज के लिए हम पार्लर ही जाएं. पार्लर इज ओके, आप जाइए, बट आप पार्लर के साथ कुछ चीजें ऐसी कीजिए जिससे आपका ऑटोमेटिकली ग्लो आए. इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, इट कम्स विद योगा ऑल्सो, बट आई कैन गिव यू फ्यू टिप्स. जो आप ट्राई कीजिए एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर फेस. आप अपने लेफ्ट हैंड में पहले
ग्रीन कलर पेन से एक नंबर लिखिए एंड यू चेंज टू डेज कि आपके फेस पे शायद लोग आपको कमेंट करने लग जाएं कि आपके फेस में आपने क्या किया है यू नो दैट वे. सो आप नंबर लिखिए 8358 5179 ऑन योर लेफ्ट हैंड. आई ऑलवेज राइट. तो आपको इसको किसी भी पेन से नहीं लिखना है कि आप ब्लू से लिखते हैं रेड से लिखते हैं. आप इसको ग्रीन पेन से ही ट्राई कीजिए. सो इट विल गिव यू इमेंस रिजल्ट्स. सेकंड, आपको अगर आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करना जानते हैं या आप मंत्र जाप करना जानते हैं तो आप एक मंत्र लिख के ओम ज्ञानम ध्यानम शांति हरि. ओम ज्ञानम ध्यानम शांति हरि. इट्स ओम ज्ञानम ध्यानम शांति हरि. ये भी मंत्र आपके आपको एक मैग्नेटिक ग्लो देगा, एक अट्रैक्शन देगा, एक चार्मिंग लुक देगा. तो मंत्रास में बहुत पावर होती है. आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं फॉर योर फेशियल ग्लो. थर्ड, आई वुड कम फॉर योर हेयर. जी, एनर्जी में हमने बात कर ली, हमने फेशियल ग्लो के लिए भी बात कर ली. अब नाउ कम्स योर हेयर. हेयर एक ऐसी चीज है विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस. अगर किसी के बाल नहीं होते हैं सो यू नो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है. इफ यू डोंट हैव गुड हेयर, फीमेल्स का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर ऑल्सो. अब हेयर के लिए आप क्या कीजिए, एक होम्योपैथी में आता है, देयर इज अ थूजा टिंचर. तो थूजा टिंचर को आप अप्लाई करिए, आपका हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा एंड आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा. बड़े बड़े हेयर क्लिनिक्स भी इसको यूज करते हैं जहां लोग काफी अपना मनी एक्सपेंड करते हैं. बट अगर आप ये मामूली सी चीज विच कम फॉर 80 रुपीज और आई थिंक इट्स फॉर 150 रुपीज आप इसको खुद यूज करिए तो आप देखेंगे आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा एंड आपके हेयर आने शुरू हो जाएंगे. तो ओवरऑल इट्स आई कैन से जब आपकी एनर्जी है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका फेस अच्छा है तो आई थिंक यू विल बी मोर देन हैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ. हर एक आदमी को चाहिए आजकल, या हर एक औरत को चाहिए, या हर एक बच्चे को चाहिए. सो प्लीज फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस एंड यू कैन गिव अस. एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो थूजा आपने बोला टिंचर, ये क्या हमें हेयर रूट में लगाना है, अप्लाई करना है? हाँ, जैसे आप ना इसको ऐसे लगा लीजिए जहां जहां आपको लग रहा है ना हेयर कम है. ओके ऐसे आप इसको लगा लीजिए. इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट. अब तो आपके हेयर फॉल बंद हो जाएगा. एंड कई लोग पहले ना धूनी भी लेते थे बालों में, आपने देखा होगा बंगाल. करेक्ट, धूनी लेते. तो ये सब चीजें आज की नहीं है, पुरानी है. बट लोग ना बिकॉज दे गो टू पार्लर दे विल हैव देयर हेयर स्पा और नेचुरल चीजें इस्तेमाल कीजिए, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच रिमा जी. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज वेरी नाइस सेशन. थैंक यू.